80 दिन बाद राकेश टिकैत की घर वापसी आज है। आपको बता दें कि गाजीपुर से मोदी नगर, दौरौला, मंसूरपुर होते निकलेगा फतेह मार्च। मुजफ्फरनगर में टिकैत के पुष्तैनी गांव सिसौली में भव्य इंतजाम। घर वापसी पर 11 क्विंटल लड्डू बांटे जाने की तैयारी है। दर्जनों जगहों पर स्वागत के साथ ही भंडारे और लंगर की भी तैयारी है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन इसे माना जा रहा है। देखिए आखिरकार राकेश टिकैत की अब घर वापसी हो ही रही है। घर वापसी की तैयारी, सियासत अभी जारी। आंदोलन के बाद अब कुर्सी की चाहत भारी। गाजीपुर बॉर्डर करीब 80% से ज्यादा खाली हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर सबसे ज्यादा गदर काटने वाले नेता राकेश टिकैत ने जब खुद की घर वापसी का ऐलान पोस्टर के जरिए किया तो किसान आंदोलन में कामयाबी का सेहरा खुद के सिर बांधने का पूरा ग्रैंड इंतजाम भी कर रखा है। 383 दिन बाद अपनी घर वापसी को ऐतिहासिक बनाने के लिए टिकैत के पुश्तैनी गांव सिसौली में किसान भवन को रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। टिकैत की आज होने वाली घर वापसी पर सिसौली में 11 क्विंटल लड्डू बांटे जाने का इंतजाम लगातार चलता रहा। सर्वखाप मुख्यालय स्वारम और BKU के मुख्यालय सिसौली में बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हवन के बाद राकेश टिकैत यहां से घर वापसी के लिए निकलेंगे, फिर मोदी नगर, मेरठ, दौराला टोल प्लाजा और फिर मंसूरपुर होते हुए सौरम और सिसौली पहुंचेंगे। गाजीपुर से सिसौली तक कई जगहों पर स्वागत के साथ ही भंडारे और लंगर की तैयारी है। आंदोलन के बारे में क्या खोया, क्या पाया? आंदोलन ने परिवार पाया और 750 को गुड़वा मिल गया हमको बड़ा। सवाल है क्या ये मौका सिर्फ स्वागत की रस्म अदायगी तक सीमित रहेगा या टिकैत इस मौके को अपनी छवि चमकाने के लिए भरपूर इस्तेमाल करेंगे और कोई नया श्रीगुफा छोड़ेंगे। याद कीजिए दिल्ली हिंसा और लाल किला कांड के बाद जब बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसा गया तो क्या हुआ था? खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोक क्या किसी ने, बात बात में बक्कल उखाड़ देने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत की हालत पतली हो गई थी और वो बुक्का फाड़ रोने लगे थे। किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। तब उनके भाई और BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सिसौली में किसानों को एकजुट किया और हजारों किसानों को लेकर दिल्ली बॉर्डर आ धमके थे। इतना ही नहीं, 4 महीने पहले अगस्त में सिसौली में भारी हंगामा हुआ जब मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना सीट से BJP विधायक उमेश मलिक का काफिला वापस लौट रहा था तो काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधायक की गाड़ी पर टूट पड़े थे। एक बार फिर टिकैत एंड फैमिली जिस तरह दिल्ली फतेह का दावा कर रही है वैसे ही यूपी के लिए मोर्चेबंदी का भी प्लान कर रही है। ये किसान ट्रेनिंग कर का है आंदोलन की। दूसरी तरफ BJP की डबल इंजन सरकार किसान मुद्दे पर विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी कल गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के जरिए किसानों से सीधा संवाद करेंगे, जीरो बजट फार्मिंग का मंत्र देंगे। तो वहीं CM योगी UP में 2,42,00,000 किसानों को नगद सहायता राशि देने की तैयारियों में, जिस पर कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। अब देखना होगा सिसौली की पंचायत में टिकैत किस नए एजेंडे से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।